नहीं करता कि शनि शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो पैसा आ ही रहा है, बहुत से लोगों को नहीं आ रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा? देखो हम बीएनएन पढ़ते हैं, बीएनएन में मोटी मोटी चीजें पढ़ते हैं कि जी शनि शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो पैसा देगा, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिलता, वो क्यों नहीं मिलता? तो ऐसे में ये जो कक्ष है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डे टू डे लाइफ। इसको अगर हम बात करें तो दशाओं के बारे में, अंतर दशा के बारे में, प्रत्यंतर दशा के बारे में, आपके जो जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका दशा लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है, अंतर दशा लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है, प्लेनेट्स तो सारे मूव कर रहे हैं, दशा लॉर्ड कोई बैठा थोड़ी है 18 साल तक एक जगह रहा, या आज मान लो हम शनि की बात करें तो 19 साल एक जगह बैठा थोड़ी है, शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो वो दशा लॉर्ड किस तरीके के फल देगा, अंतर दशा लॉर्ड क्या देगा? आपके लिए सारी की सारी जो चीज डिपेंडेंट है वो इस कक्षा के ऊपर है। आज अगर ये कक्षा आप प्रॉपरली समझ जाते हैं और उसको यूज करते हैं तो फिर आपकी प्रिडिक्शंस के अंदर एक शार्पनेस और एक परफेक्शन आने की काफी ज्यादा संभावना बन जाती है। थोड़ी सी एक ये चीज जरूर है कि उसकी एक आदत बनानी पड़ेगी, आपको डिग्री देखनी पड़ेगी कि जो प्लेनेट ट्रांजिटिंग प्लेनेट है वो कौन सी डिग्री से गोचर कर रहा है, अब वो कौन सी कक्षा है उसका एक सीक्वल है, सीक्वेंस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, और उस दशा लॉर्ड या जो कक्षा लॉर्ड है उसकी पोजिशन, तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, खाली छोटी सी चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसके ऊपर में आया हम लोग बात शुरू करेंगे। खत्म हो गया नहीं होगी वो कल की क्लास में, मगर ये काफी लंबा चैप्टर है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताना चाहूंगा। एक सेकंड जरा, तो इसके अंदर में हमारे कुछ पॉइंट्स भी हैं, आप कभी भी इसके अंदर में, हमें चीजें आप लिखनी शुरू कर दूंगा, इसके अंदर में 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स का मतलब यह है कि यहाँ पर 7 तो प्लैनेट्स हो गए, राहु केतु को हम इंक्लूड नहीं करते अष्टक वर्ग में, और प्लस 1 असेंडेंट, ये 8 कक्षा है। पहली जो कक्षा बनेगी वो शनि की बनेगी, दूसरी जो कक्षा बनेगी ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है किसी भी तरीके से, तीसरी कक्षा जो है मंगल की है, चौथी कक्षा शुक्र की है, पांचवी शुक्र की है, छठी शुक्र बुध की है, और कौन सा छूट गया, शनि चंद्रमा, सातवीं चंद्रमा है, और आठवीं जो है वो असेंडमेंट है। ठीक है, ये तो ये जो है ये हमारी कक्षा है, ये फिक्स है किसी भी राशि में, मतलब ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर मान लीजिए कोई भी राशि है उसके अंदर 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 45 मिनट तक सबसे पहली जो कक्षा आएगी वो शनि की आएगी, दूसरी कक्षा जो आएगी वो जुपिटर की आएगी, जुपिटर आएगा 7 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 7 डिग्री 30 मिनट तक, मतलब कोई प्लेनेट मान लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट पे ट्रांजिट कर रहा है तो वो मान करके चलिए शनि की कक्षा, दूसरा अगर मान लो यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है तो वो जुपिटर की कक्षा में है, तीसरा 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 11:15 तक, 11 डिग्री 15 मिनट तक अगर वो ट्रांजिट कर रहा है तो वो मान करके चलिए मंगल की कक्षा में, 11 डिग्री 15 मिनट से लेकर के और 15 डिग्री तक अगर ट्रांजिट कर रहा है तो वो सूर्य की कक्षा में है। पंद्रह डिग्री से लेकर के 18 डिग्री 45 मिनट तक
जो ट्रांजिट कर रहा है वो वीनस की कक्षा में है, 18 डिग्री 45 मिनट से लेकर के और 22 डिग्री 30 मिनट तक ये ट्रांजिट कर रहा है, ये बुध की कक्षा में है, 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 26 डिग्री 15 मिनट तक। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुई, 18:45 से लेकर के 22 डिग्री 30, 22:30 से लेकर के 26:45, ठीक है, ये मून की कक्षा है, और 26:45 से लेकर के और 30 डिग्री तक ये असेंडमेंट है। जी मिश्रा जी, गलती हो गई कहीं? हाँ बोलिए। 26:15 होगा, 26:45 नहीं होगा सर। हाँ 26:15, ठीक है। तो ये जो है ये एक फिक्स है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी राशि का उसका कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर में, ये कक्षा जो है फिक्स है। मतलब आज मान लीजिए शनि कितनी भी डिग्री पे है वो किसी ना किसी प्लेनेट की कक्षा में ट्रांजिट कर रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, कक्षा लॉर्ड जो है वो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको वो ट्रांजिट के ऊपर में ध्यान करना बहुत जरूरी है। जिस भी प्लेनेट के फल आप देखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में भी देखना चाह रहे हैं, आज शनि मेजर जो प्लैनेट्स हैं वही हैं, शनि है, जुपिटर है, आज बाकी सभी प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे, मगर यहाँ पर जो मेजरली जो देखा जाता है वो ये दो प्लैनेट्स है, क्योंकि रिजल्ट्स देने वाले जो है वो ये दो प्लैनेट्स जाते हैं। बाकी तो क्या है, अब इनका एक टाइम ड्यूरेशन भी, मैं वो टाइम ड्यूरेशन भी लिख देता हूँ आपको, आपके नॉलेज में रहेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कितनी देर किसकी एक कक्षा में रहेगा। आज कोई भी प्लैनेट जो है, आज सूर्य कितनी देर रहेगा एक कक्षा में, शनि कितनी देर रहेगा, चंद्रमा कितनी देर रहेगा, वो मैं सूर्य जो है वो एक कक्षा के अंदर 3.8 डेज रहता है एक कक्षा में। मून जो है, चंद्रमा जो है वो 6.8 आवर्स रहता है, मतलब 6 से 7 घंटे के बीच में मून जो है वो एक कक्षा में रहता है। मंगल जो है वो 5 दिन रहता है, मरकरी जो है वो 2.5 दिन रहता है, जुपिटर 45 दिन रहता है, वीनस 3 दिन रहता है, सैटर्न 112 दिन रहता, राहु केतु 70.8 डेज। तो ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इन वन कक्षा। तो आपको ये भी पता लग गया कितनी डिग्री से कितनी डिग्री